इन वीडियोस में क्लियरली देखा जा सकता है कि मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह पाकिस्तान की बहन बेटियों को अपने वहशीपन और दरिंदगी का निशाना बना रहा है। हम सब के लिए डूब मरने का मकाम है, बिलखसूस जिनकी सारी उम्र इन पॉलिटिशियंस के बनाए हुए दिलना तीर भिजा और देखो देखो कौन आया शेर आया जैसे गानों पे नाच नाच के ज़िंदगी गुजरी है। हम एक ग़ुलाम कौम हैं जो इन खुदगर सियासतदानों को सर पे बिठा लेते हैं। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ, ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। सिंस वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, दुनिया की हर छोटी बड़ी वायरल वीडियो दुनिया के हर मुल्क में देखी जाती है। आज पाकिस्तान का एक और स्याह बाब रकम हुआ है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा सियासी स्कैंडल कभी सामने नहीं आया। करप्शन, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी, घपले, नौकरियां पैसों पे बेचना तो पाकिस्तान में आम सी बात है, पर इस बार तो हद ही हो गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अकबर और आज हम बात करेंगे आज की वायरल वीडियो की, जो कि है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, जो एक्स गवर्नर ऑफ सिंध रह चुके हैं। वायरल वीडियो में मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंतहाई शर्मनाक और ग्रीवी हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसी हरकत जो ना सिर्फ हमारे माशरे में गलत समझी जाती है, बट दुनिया के हर मुल्क और मज़हब में वो ना सिर्फ गुनाह समझी जाती है, उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ भी हैं। अमेरिकन ओपन माइंडेड सोसाइटी, जिसमें मर्द और औरत के ताल्लुकात गलत नहीं समझे जाते, पर वहाँ भी ऐसे केसेस पे सज़ाएँ दी जाती हैं। हम पाकिस्तानी एज ए नेशन हमारे पॉलिटिशियंस को इस कदर सर पे बिठा लेते हैं जिसकी वो हरगिज़ काबिल नहीं, औकात से ज़्यादा इज्जत देते हैं, साईं और चौधरी साहब कह के बुलाते हैं, वोट दे के इनको बाख्तियार बनाते हैं, इनको ये हक देते हैं कि वो जो चाहे करें, फिर इन्हीं के सामने हम एक एक नौकरी की भीख मांगते हैं और ये इलीट क्लास हमारे ही टैक्स के पैसे से खूब अयाशी करती है। V8, TZ, लैक्सस और रिवो में चढ़ के मज़े लेते हैं, कभी 5-स्टार होटल्स में अयाशी करते हैं तो कभी वर्ल्ड टूर करते हैं, फिर ये कभी किसी शहर से गुजरते हैं तो पूरा रोड ब्लॉक करवा देते हैं। यानी कि एक प्लेट पे ये जियाले और पटवारी सारा दिन झूमर पापा के इस्तकबाल करते हैं और जिन्होंने कभी अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमे होते हैं वो भी झुक झुक के इनके हाथ चूमते हैं। हाल ही की बात है, पाकिस्तान में काफ़ी सारे सियासतदानों को सर का ताज पहनाया गया, गवार होने का नेक्स्ट लेवल, प्रो इलिटरेट नेशन। सीरियसली हम ये भी नहीं सोच पाते कि जो इंसान V8 में घूमे, असेंबली के नॉन स्टॉप एसीज में बैठ के नींद करे और 5-स्टार होटल में अयाशी करे, वो क्या खिदमत करेगा? उसे क्या पता कि लियारी में लाइट है या नहीं? क्या ऐसे लोग आपके मसले हल करेंगे? तो भाई वो तो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, पर पाकिस्तानी दिला तीर भिजा पे नाचे बिना रह नहीं सकते। साईं V8 की साइड पे लटक के दिखाएंगे, फूल निछावर करेंगे और अपनी ही चप्पल उतार के चौधरी साहब को देंगे कि मारो मुझे। मोहम्मद ज़ुबैर असद उमर के भाई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक पर्सन और एक सिंध गवर्नर रह चुके हैं। कहा जाता है कि इनके मिलिट्री लीडरशिप से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। जो वायरल क्लिप हैं उनमें क्लियरली देखा जा सकता है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ही हैं गर्ल्स के साथ नाजेबा हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। ज़ुबैर ने पाकिस्तान की बेटियों को नौकरी का झांसा देके रेप का निशाना बनाया, मिसयूज़ किया, वीडियोस भी बनाई गई, जो गर्ल्स नहीं मानी उनको किडनैप किया गया। इस सारे खेल में वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका दोस्त जिसका नाम शेरी है वो भी इन्वॉल्व है, वही सब अरेंजमेंट करता था। सारी सफ़ेद और स्याह हरकतें गवर्नर हाउस कराची, अवारी होटल कराची और इस्लामाबाद के फार्म हाउस में की जाती थी। की बात यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आज अपने एक ट्वीट में इन वीडियो से लातालुकी का बताते हुए कहा कि ये वीडियोस मुकम्मल तौर पर फेक हैं। जनाब ये पाकिस्तान है और यहाँ ये लोग बाख्तियार हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वी जस्ट होप फॉर जस्टिस। आज की हमारी वीडियो अपने अख्ताम पे पहुँची, टिल देन अल्लाह हाफिज़।